हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर एक और प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आ गई हूँ जो कि विमेन एंड हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड ही है। जी हाँ, इसके पहले मैंने आपके साथ एवरटीन के मेंस्ट्रुअल कप का रिव्यू किया था। तो मेंस्ट्रुअल कप का रिव्यू करने के बाद मुझको कई सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मेंस्ट्रुअल कप वॉश किस तरह से किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बता दिया जाए जिससे कि आप मेंस्ट्रुअल कप को आराम से वॉश करके उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये 10 साल तक चलने वाला है, आपका जो मेंस्ट्रुअल कप है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो जी हाँ, आज हम मेंस्ट्रुअल कप को वॉश करने के बारे में बात करेंगे जो कि है एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर। तो जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं उसको वॉश करके जरूर रखना चाहिए और यूज करने से पहले भी वॉश करना चाहिए, तो उसी के लिए ये प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको एक पंप बॉटल मिलती है। ये है पंप बॉटल, इसके साथ आपको ये ब्रश मिलता है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, ये है मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर नेचुरल प्लांट फॉर्मूला, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये है नेचुरल पीएच बैलेंस किल्स 99.9% जर्म। तो यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन है, ये नॉन टॉक्सिन है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, 100% सेफ टू वॉश है। इसके इंग्रेडिएंट में आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अगर प्रिकॉशन की बात करें तो आप इसको सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही यूज करें और बच्चों की पहुंच से इसको आपको दूर रखना है। जो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स है और इसका जो प्राइस है वो 360 रुपीज है। आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। ऑनलाइन कोई ना कोई ऑफर्स चलते रहते हैं जिससे ये आपको कुछ अच्छे प्राइस में मिल सकता है। तो चलिए इसका यूज करने का तरीका देख लेते हैं कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू वॉश योर मेंस्ट्रुअल कप, यहाँ पे दो आपको लिखे हुए हैं टिप कि आप इस तरह से वॉश कर सकते हैं विद कंटेनर और एक है विदाउट कंटेनर। तो चलिए सबसे पहले हम विद कंटेनर वाली बात कर लेते हैं। अगर आप कंटेनर में इसको वॉश करते हैं तो आपको एक बाउल लेना है। तो बाउल में आपको इसकी कुछ ड्रॉप डाल लेनी है। ड्रॉप डालने के बाद आपको अपना मेंस्ट्रुअल कप उस बाउल में 5 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद आप मेंस्ट्रुअल कप को इस ब्रश से अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद जब ये 5 मिनट बाद वॉश हो जाएगा तब आप इसको टैप के नीचे प्लेन वाटर से वॉश कर सकते हैं, देन आप इसको यूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप इसको विदाउट कंटेनर यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से वॉश कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना मेंस्ट्रुअल कप ले लीजिए। मेंस्ट्रुअल कप को आपको टैप के नीचे लाना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इस क्लींजर को उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल देनी है। देन आप इस ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ 2-3 मिनट में आपका ये जो मेंस्ट्रुअल कप है अच्छे से वॉश हो गया है, फिर आप इसको टैप वाटर में आराम से क्लीन करके वॉश कर सकते हैं। तो है ना कितना इजी सिंपल स्टेप कि आप आराम से मेंस्ट्रुअल कप इससे वॉश कर सकते हैं। ये जो बॉटल है ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये पंप बॉटल है। इसको आप आराम से ऐसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें ऑन ऑफ का जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको आराम से इसको ऑन करिए और ऑफ कर दीजिए तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। व्हाइट कलर की बॉटल है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा मेंस्ट्रुअल कप के क्लींजर के बारे में जान करके। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जो मेरी फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हैं उनको क्लीन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब मार्केट में इसका क्लींजर भी है। अभी तक लेडीज जो है वो वाटर, प्लेन वाटर से वॉश करके स्टेलाइज करके उसको रखती थी, लेकिन अब आपको ये सारा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आपको मार्केट में एक सिंपल सा क्लींजर मिल गया है। बस इससे आप अपना मेंस्ट्रुअल कप वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।